हे hey दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आरपी कार ब्लॉग्स के एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जिस गाड़ी से रूबरू करवाने वाला हूँ वो है इंडिया की सबसे पावरफुल एसयूवी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फोर्ड की एंडेवर की। ये 2012 का टॉप मॉडल है ऑटोमेटिक में। इसमें 3 RCC का इंजन मिलता है दोस्तों, और ये अपने टाइम की सबसे पावरफुल एसयूवी से एक थी। ये 4x4 मॉडल है। मेनली ये गाड़ी ऑफ रोड के लिए बनी हुई है, और जिनकी बड़ी फैमिली है उनके लिए सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ मैं लेने के लिए। बहुत कम आती है ये सेकेंड हैंड मार्केट में, और इस कंडीशन में तो ना के बराबर ही आती है दोस्तों। वॉक अराउंड देख सकते हैं आप गाड़ी का। वीडियो देखने से पहले दोस्तों मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये इसकी ग्रिल, ये इसके 16 इंच के अलॉय व्हील। काफ़ी बड़े लगते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें टायर का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा दिया गया है, और अलॉय का थोड़ा कम दिया गया है ताकि ये जब ऑफ रोड करे तो इसे कोई दिक्कत ना हो। गाड़ी का रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है दोस्तों, क्योंकि जब भी ये गाड़ी रोड से निकलती है तो लोग एक बार पलट के ज़रूर देखते हैं। मैं आपको गाड़ी का इंटीरियर दिखाता हूँ, चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं। सेंट्रल लॉकिंग इसमें दी हुई है। गाड़ी का डोर काफ़ी हैवी है दोस्तों, सेफ्टी के मामले पे भी ये काफ़ी बहुत अच्छी थी दोस्तों। ये पावर विंडो कंट्रोल्स, और ये होती है स्पेस। ये इसका कैनवर्ट का मिलता है म्यूजिक प्लेयर, इसमें आपको ब्लूटूथ MP3 CD सारी चीज़ मिल जाती हैं। इसी फ्रंट में मिलता है, रियर में इसमें ऊपर दिया गया हुआ है। यहाँ पे 2 सनग्लास होल्डर मिलते हैं आपको। ये वैनिटी विथ मिरर, और यहाँ अपनी फेवरेट म्यूजिक सिस्टम मिलता है आपको विथ स्क्रीन। इसमें आप अपनी CD इंसर्ट करके, उस समय CD ज़्यादा चलती थी दोस्तों इसलिए दिया हुआ था, इसमें आप अपनी CD इंसर्ट करके देख सकते हैं। लॉन्ग ट्रिप में काफ़ी अच्छा हो जाता है आप लोगों के लिए। और ये ऑटोमेटिक के कंट्रोल, इसमें आपको 3 मोड मिलते हैंगे, 2-व्हील ड्राइव, 4-व्हील ड्राइव। ये P में है अभी पार्किंग में, उसके बाद रिवर्स ड्राइव मोड, और आप अगर आप इसको मैनुअल चलाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। गाड़ी चल चुकी है 77,000 किलोमीटर। दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ इसके रियर सीट में, और स्पेस स्पेस आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा है दोस्तों। हाँ, पीछे से दिखाता हूँ मैं आपको उसका CD प्लेयर। ये देखिए, ये अभी गाड़ी चालू हुई होगी तो ये भी चालू हो जाएगा। ये रियर AC कंट्रोल्स, आपको यहाँ पे 2 मिलते हैं एंगल AC वेंट्स, इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, और लास्ट सीट में भी इसमें AC वेंट्स दिए गए हैं दोस्तों। स्पेस बहुत ज़्यादा है दोस्तों, 3 लोग या 4 लोग भी इसमें आराम से बैठ के घूम सकते हैं। अगर आपकी एक बड़ी फैमिली है और अगर आप एक कार लेना चाह रहे हैं तो मैं आपको बहुत रिकमेंड करूँगा कि आप एक सेकेंड हैंड एंडेवर ले लीजिए। फॉर्चुनर आपको महंगी पड़ जाएगी, फॉर्चुनर अगर यही मॉडल बन जाएंगे तो 10 से 12 लाख रुपये का पड़ेगा, और हमारा जो अपने इसका प्राइस रखा हुआ है दोस्तों वो रखा हुआ है 7.5 लाख रुपये, वो भी नेगोशिएबल है अगर कोई बंदा हमारा कॉल करके आता है तो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।